हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में 3 और 4 अक्टूबर 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज, यानी कि जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है, जो सीएमआई जो है, सीएमआई मतलब है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसका फुल फॉर्म है अंग्रेजी में जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके अनुसार जो है सितंबर में जो बेरोजगारी दर जो है वह घटकर 6.43% हो गई है, जो कि अगस्त के जो दौरान था बेरोजगारी दर वह 8.3% था। अगस्त के दौरान जो बेरोजगारी दर था वह 8.3% था। अगला जो है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी 118वीं जयंती मनाई जा रही है और यह जवाहरलाल नेहरू के बाद यह भारत के प्रधानमंत्री बने थे और इनको भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था, यह 1966 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इस सम्मान पाने वाले वह पहले मरणोपरांत विजेता बन गए थे। और जो शास्त्री जी का जो जन्म दिवस है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इनका जो जन्म हुआ था 1904 में हुआ था और इनका जो स्लोगन यानी नारा था जय जवान जय किसान, यह ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था उस समय, जय जवान जय किसान का नारा। और अगर नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसी में एक जोड़ा गया तो वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला है, जो जोधपुर में जो वायुसेना का जो अड्डा है उसमें जो है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को इसमें शामिल किया गया है। जो जोधपुर में वायुसेना का जो स्टेशन है उसमें जो है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को वायुसेना में भर्ती किया गया है और इस हेलीकॉप्टर को जो नाम दिया गया है, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को इसका नाम दिया गया है प्रचंड। प्रचंड इसको हल्के हेलीकॉप्टर को नाम दिया गया है। अगला जो है मंगलयान जो है, मंगलयान जो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा यह छोड़ा गया था, यह अपना 8 साल कंप्लीट कर लिया गया। इसको क्या है, मार्स का जो ऑर्बिट है इसके अराउंड इसे भेजा गया था घूमने के लिए। भारत जो है पहले ही चांस में यह मंगलयान को अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया था और इसका जो है 8 साल पूरा हो गया है। और इसको जो भेजा गया था वह अलग अलग कारणों के लिए भेजा गया था, जैसे कि मंगल के सतह का तापमान ज्ञात करने के लिए, उसके वायुमंडलीय में क्या प्रक्रिया होती है उसको जानने के लिए, और उसके सतह पर क्या क्या स्थित है इसके बारे, इस सब के बारे में जानकारी के लिए इसे भेजा गया, क्योंकि मंगलयान जो है वह अपना कक्षा में 8 साल पूरा कर लिया है। अगला जो है ONDC कंज्यूमर बीटा प्रशिक्षण का, यह जो है बेंगलुरु के 16 स्थानों में यह शुरू हो गया है। यह जो है ओएनडीसी वह यूपीआई के समान एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है, जो छोटे उद्यमों जो है उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है ONDC। अगला जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है यह हर साल अनाउंस किया जाता है 2 अक्टूबर को, और जो इंदौर सिटी है, इंदौर शहर जो है मध्य प्रदेश का, वह लगातार यह छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है और राज्यों में सबसे श्रेष्ठ जो प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं इसमें मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है और दूसरे के में है छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र है तीसरे स्थान पर, दूसरे पर छत्तीसगढ़ है और पहले पर मध्य प्रदेश है। बिहार की जो राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी जो है पटना, पटना जो है वह 38वें स्थान पर यह पहुंच गया है 2022 में। इसके पहले जो पटना था वह 44वें स्थान पर था, 2021 में यह 44वें स्थान पर था, लेकिन 2022 में यह 38वें स्थान पर आ गया है। अगला जो है 8 बुनियादी उद्योगों की जो वृद्धि दर है वह 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर यह पहुंच गया और यह जो है
0.3% पर यह पहुंच गया है, जो कि 9 महीनों में सबसे कम है। लास्ट जो हुआ था वह नवंबर 2021 में हुआ था 3.2%। अगला जो है विदेशी पर्यटक जो आए हैं उसमें तमिलनाडु जो राज्य है और महाराष्ट्र जो है वह सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में जो है लगभग 1.26 मिलियन और तमिलनाडु में जो है 1.23 मिलियन यहाँ पर्यटक आए हैं। तो पहले जो स्थान है वह महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। और यह भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 में जो है यह जो है पब्लिश किया गया है, जो कि भारत विश्व पर्यटन दिवस पर यह इसको पब्लिश किया गया है, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के शीर्षक से, जिसमें कि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। अगला जो है UGC जो है वह एक दिशा निर्देश दिया है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र हैं उनके लिए 25% जो है अधिक सीटें इसके लिए जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो बाहर से जो छात्र आते हैं उनके लिए 25% जो है अतिरिक्त सीटें को जोड़ा जाएगा। और प्रवेश की जो प्रक्रिया है इसके लिए पारदर्शी और बनाया जाएगा। अगला जो है केंद्र सरकार जो है वह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में जो है अफ्स्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है इन दोनों राज्यों में। और इन दोनों राज्यों के जो 12 जिले हैं इसमें जो अफ्स्पा जो है यानी सशस्त्र बल की इसमें विशेष शक्तियां दी जाती है इस कानून के तहत, अफ्स्पा के तहत उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला जो है भारत में यह तीसरी कंपनी बनी है पेगाट्रॉन। पेगाट्रॉन यह तीसरी कंपनी बनी है जो कि आईफोन का विनिर्माण जो है वह शुरू किया। और यह जो पेगाट्रॉन है वह चेन्नई में आईफोन का विनिर्माण शुरू किया है। इससे पहले जो है एप्पल की आपूर्ति करता है दो कंपनी, वो भी ताइवान की है। पेगाट्रॉन भी ताइवान की कंपनी है। इसके पहले जो दो एप्पल आपूर्ति करता जो कंपनी है वह है फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन। फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन दो कंपनियां हैं जो कि एप्पल की आपूर्ति करता है। अगला जो है RBI जो है एक नया टोकनाइजेशन रूल लागू किया है। 1 अक्टूबर से यह रूल प्रभावी हो गया है। इसके माध्यम से जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो ऑनलाइन भुगतान होता है उसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो टोकेनाइजेशन के कारण क्या होता है, जैसे पहले अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे तो एक क्या होता था कि कार्ड नंबर वह सेव कर लेता था कोई भी, या तो ऑनलाइन मर्चेंट जो भी है वह कार्ड नंबर को सेव कर लेता था, आपको सिर्फ CVV नंबर और OTP डालकर पेमेंट प्रोसीड करना होता था। लेकिन RBI एक मैंडेटरी नियम बना दिया है कि आप कार्ड को बिना उपभोक्ता के परमिशन के आप सेव नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा दो ऑप्शन दिया गया है इसमें उपभोक्ता, एक तो है कार्ड को आप उपभोक्ता अगर सेव कर सकता है तो कार्ड को या सेव कर सकता है, नहीं तो कार्ड को सेव नहीं भी कर सकता है। इसके द्वारा फिर से जो है कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, फिर एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगा, इसके बाद CVV नंबर डालना पड़ेगा, OTP डालना पड़ेगा। अगर कार्ड सेव होता था तो पहले कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट ऑलरेडी डाला होता था, सिर्फ CVV नंबर और OTP डालकर आप पेमेंट कर सकते थे। यही जो है RBI एक च्वाइस दे दिया है यूजर को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह जो कार्ड फ्रॉड होते हैं इससे बचने के लिए, यानी कि जो कार्ड नंबर, कार्ड की जो समाप्ति की तिथि होती है इसकी जानकारी जो है वह रैंडम स्ट्रिंग्स में बदल दिया गया। तो अगर एक बार जो है कार्ड का टोकन एक बार अगर हो गया तो कार्ड विवरण के विकल्प के रूप में जो है भुगतान संसाधित करने के लिए उत्पन्न कार्ड टोकन का उपयोग किया जा सकता है इसके बाद। और यह जो संवेदनशील जो जानकारियां है जैसे कि कार्ड नंबर लीक हो जाता है और कार्ड की जो समाप्ति की तिथि लीक हो जाता है, तो इन सब जानकारियों को लीक होने से बचाएगा। और यह जो नया नियम है RBI का वह 1 अक्टूबर से यह प्रभावी हो गया है। अगला जो है तेलंगाना जो सरकार है वह शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है वह 6% से बढ़ाकर जो है 10% कर दिया है। तो तेलंगाना जो सरकार है वह अनुसूचित जनजाति के छात्र जो है इनके लिए 6% जो आरक्षण पहले था अनुसूचित जनजाति का, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया है, अब 10% कर दिया है। अगला है CBI जो है वह
ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो है वह एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। और यह जो है ऑपरेशन शुरू किया गया वह सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। नशीली दवाइयों की जो तस्करी होती थी इसके लिए जो है यह ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन गरुड़। अगला जो है पेयजल और स्वच्छता विभाग जो है वह स्वच्छ भारत दिवस मनाया है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को यह स्वच्छ भारत दिवस मनाया है। और यह जो भारत स्वच्छ भारत दिवस जो मनाया गया है वह महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया है। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो चीन जो है वह IAEA के AUKUS विरोधी प्रस्ताव को वापस ले लिया है। तो वियना में जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो आम सत्र हो रहा था इसमें जो है चीन जो है वह AUKUS विरोधी प्रस्ताव को वापस ले लिया है। अगला जो है एलन मस्क जो है टेस्ला के जो CEO है वह एक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया है। और यह जो है ह्यूमनॉइड रोबोट वह इंसानों जैसा यह काम कर सकेगा और इसका जो कीमत है वह लगभग $20,000 तक हो सकता है। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से रिलेटेड न्यूज। तो नोबेल प्राइज 2022 का जो घोषणा हुआ है वह फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में इसका घोषणा हो गया है। इसमें जो है स्वीडन के स्वांते पैबो जो है स्वीडन के, इनको नोबेल प्राइज जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। और उन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की अनुवांशिकी से जुड़ी खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला जो है 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वह के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो 32वां जो है बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है वह लेखक है डॉक्टर माधव हाडा, इनको दिया गया है। पुस्तक इनके थे पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। इस पुस्तक के लिए इन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार का घोषणा किया गया है। और यह जो पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार है हिंदी के प्रसिद्ध कवि है बिहारी, इनके नाम पर यह रखा गया है। और यह जो पुरस्कार है वह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में, जो नियुक्तियां हुई है इसके बारे में। तो ललित भसीन जो है उनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ललित भसीन जो है वह उनको इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला जो है इसरो के वैज्ञानिक है अनिल कुमार को IAF के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। IAF का मतलब हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। तो इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक है अनिल कुमार, इनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अगला जो है सुजय लाल थाओसेन, इनको जो है सीआरपीएफ के डीजी नियुक्त किए गए हैं। और अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी के डीजी नियुक्त किए गए हैं। तो सुजय लाल थाओसेन वह जो है सीआरपीएफ के डीजी नियुक्त किए गए हैं और अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी के डीजी नियुक्त किए गए हैं। अगला जो है सुनील बर्थवाल, इनको वाणिज्य विभाग में सचिव का यह कार्य संभाले हैं। तो सुनील बर्थवाल जो है उनको वाणिज्य विभाग में सचिव का कार्यभार संभाले हैं। अगला जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट दिन जो मनाए गए हैं महत्वपूर्ण दिन, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो विश्व प्रवास दिवस यह जो है पहले सोमवार को मनाया जाता है, किस महीने के, अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को यह मनाया जाता है विश्व पर्यावास दिवस, जिसे विश्व आवास दिवस भी कहा जाता है। और इसका जो है मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो है वह सभी के लिए पर्याप्त आश्रय और आवास के मूल अधिकारों को बढ़ाने के लिए जो है विश्व पर्यावास दिवस आयोजन किया जाता है। और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह वर्तमान पीढ़ी को यह याद दिलाना है कि
वो भावी पीढ़ी के पर्यावास हेतु जो है उत्तरदायी है। और इस वर्ष का जो थीम है विश्व पर्यावास दिवस का, वह है माइंड द गैप आई लिव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। माइंड द गैप आई लिव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यह जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह जो दिन है वह महात्मा गांधी के जन्म दिन के रूप में यह जो है 2 अक्टूबर इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और लोगों के प्रति अहिंसा के संदेश को फैलाना इसका मकसद है। और इस दिन की जो स्थापना है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में की गई थी। महात्मा गांधी का मुख्य हथियार था वह था अहिंसा, इसलिए जो है इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। अगला जो है 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, यह जो है 2 से 8 अक्टूबर तक यह मनाया जाता है, इस वर्ष जो है मनाया जाएगा और 2022 में जो है यह 68वां वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं। अगला जो है विश्व कृषि पशु दिवस, यह जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका जो दिवस है यह जो दिवस है वह महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। और इसका इस दिन का जो है आयोजन जो किया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन विश्व पशु संरक्षण के साथ साथ जो है एशिया फॉर एनिमल्स गठबंधन द्वारा कृषि पशु कल्याण के महत्व और तत्कालिकता को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला जो है खेलकूद से रिलेटेड न्यूज है, तो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं शिवपाल सिंह, इनको जो है डोपिंग के मामले में 2025 तक इन्हें निलंबित कर दिया गया। भारतीय एथलीट है शिवपाल सिंह, इनको डोपिंग के मामले में 2025 तक निलंबित कर दिया गया। यह जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे। तो यह रहा करंट अफेयर्स 3 और 4 अक्टूबर का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।